हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद यार अगली वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर की शुरुआत इनकी डेफिनेशन से ही होगी ऑब्वियसली। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड के बारे में अगर पूछ लिया व्हाट आर एसिड और उनकी थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो हम लिखेंगे कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। हाँ, ये मेरे दोस्त ने बताया था कि इसे कैसे याद रखना है। एसिड जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, तो वो रेड में चेंज कर देते हैं। जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो H प्लस आयन वो रिलीज करते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल होता है HCl और H2SO4। बेसिस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, एसिड सॉर इन टेस्ट, बेसिस बिटर इन टेस्ट, बी और बी याद रखने का तरीका। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर और बी फॉर ब्लू, ठीक है, रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब इन्हें पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो OH- आयन ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एग्जांपल NaOH और KOH। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो अपना या तो कलर चेंज करते हैं या तो ऑर्डर ऑर्डर बोले तो खुशबू, या तो वो अपना कलर चेंज करते हैं या तो ऑर्डर चेंज करते हैं। कब करते हैं, जब वो किसी एसिड या बेसिस के कॉन्टेक्ट में आते हैं, और इस वजह से हमें पता चलता है कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, एक तो नेचुरल, एक हो जाएगा सिंथेटिक और हो जाएगा ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री क्या होता है, जो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर बोले तो खुशबू, ठीक है। नेचुरल में लिटमस आ जाएगा, सिंथेटिक में मेथाइल ऑरेंज, और एग्जांपल ऑल्फैक्ट्री का हो जाएगा अनियन। अनियन वैसे नेचुरल में भी आएगा, नेचुरल में तुम्हें लिटमस याद नहीं आ रहा है तो अनियन वहाँ भी लिख सकते हो। ये वाली टेबल यार इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे तुम्हें पता करना होता है कि एसिड के कॉन्टैक्ट में आके ये जो भी इंडिकेटर्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे एसिड के कॉन्टैक्ट में आके रेड लिटमस कोई चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि ब्लू को रेड करता है ना, ये देखो ब्लू लिटमस को रेड करता है एसिड। टर्मरिक येलो हो जाता है, फिनॉप्थेलिन कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है। ब्लू लिटमस को भी रेड कर दे रहा है, मिथाइल ऑरेंज को भी रेड कर दे रहा है। बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रेड को ब्लू कर रहे हैं, ब्लू को क्या ही चेंज करेंगे वो। उसके बाद टर्मरिक को बेसिस रेड कर देते हैं, फिनॉप्थेलिन पिंक और मिथाइल ऑरेंज येलो। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, तो एसिड बेसिस की मेटल के साथ रिएक्शन बतानी है। तो एसिड प्लस मेटल क्या होता है, पहले एसिड का देखेंगे उसके बाद बेसिस पे मूव करेंगे। एसिड प्लस मेटल होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगाते हैं, ये अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो हम एक लिट कैंडल को उसके पास ले जाएंगे और हाइड्रोजन गैस जहाँ से निकल रही होगी वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। तो जब हाइड्रोजन गैस को एक बर्न कैंडल के पास में ले जाते हैं तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ओके, आगे मूव करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एसिड प्लस मेटल, तो जिंक है हमारा मेटल और H2SO4 हो गया हमारा एसिड, इसके साथ हमें मिलेगा सॉल्ट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। अब मेटल का रिएक्शन देखते हैं बेसिस के साथ, सेम वही होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल ले लिया और बेस ले लिया, बन गया सॉल्ट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का हमने पता लगा दिया था। इसके बाद अभी हम जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो यहाँ पे ये पता करेंगे इस वाले में कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। हाउ डू एसिड एंड बेसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड मिलाओगे तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। Na2CO3 मेटल कार्बोनेट लिया है, उसमें हम डाल देते हैं एसिड HCl, NaCl सॉल्ट मिल गया, वाटर H2O मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे है कि इसे पता कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ठीक है, ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हाइड्रोजन वाला भी इंपॉर्टेंट था कि कैसे पता करोगे कि हाइड्रोजन गैस निकली है। बेसिस जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, क्योंकि इनका भी कैरेक्टर जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, तो बेस और बेस एक साथ रिएक्ट नहीं करते हैं आपस में, पता ही होगा तुम्हें। अभी आगे देखते हैं कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, उसके बाद बेस को हम रिएक्ट कराएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। इसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ उसे रिएक्ट कराते हैं। और एसिड सेम केस एसिड के साथ है कि एसिड इसके साथ रिएक्ट नहीं करता नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर होता है वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एसिडिक नेचर जो भी तुम कह लो। तो एसिड का रिएक्शन देखते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड को मिलाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें ध्यान में देनी है कि यार मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और एसिडिक और बेसिक को मिलाओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड प्लस बेस हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं हमारे एसिडिक, और इनको अगर हम बेस के साथ मिलाएंगे तो वही बनेगा हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। तो एग्जांपल देख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड CuO और उसमें डालेंगे HCl, तो CuCl2 बन गया हमारा सॉल्ट और H2O बन गया वाटर।
बेस का रिएक्शन देख लेते हैं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड को हम डालेंगे, जहाँ मैंने इंडिकेट भी कर रखा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे है, मैं वही कह रहा था आगे पीछे हो गया थोड़ा। ये है हमारा बेस, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, CaCO3 सॉल्ट बन गया, उसके साथ हमारा वाटर बन जाएगा। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि एसिड और बेस का हम सॉल्ट प्लस वाटर ऊपर देख रहे थे, वही यहाँ पे भी रिएक्शन निकलेगी। एसिड और बेस को मिला दोगे तो बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। HCl और NaOH को मिला दोगे तो NaCl सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मैंने स्टार कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में वन मार्कर में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट हैं, मतलब कि दोनों ही गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और एक एल्कली बेस उसे कहा जाता है जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस ऐसे क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सीधे एग्जाम में या तो फिल इन द ब्लैंक्स MCQ या फिर पूछा जाएगा कि व्हाट आर एल्कली, तो उसमें तुम्हें लिखना होगा एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। आगे मूव करते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। अब एसिड और बेस में हमें देखना है कि यार कितना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। वो कैसे पता लगाते हैं, वो पता लगाते हैं हम pH स्केल से। तो पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। pH स्केल मेजर करता है कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। 0 डिनोट द वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अ सोल्यूशन। 0 डिनोट द वेरी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। 7 इंडिकेट द न्यूट्रल सोल्यूशन। 7 इंडिकेट द न्यूट्रल सोल्यूशन। 14 डिनोट द वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू। हाइड्रोनियम आयन का जितना कंसेंट्रेशन बढ़ेगा उतना जो है वो नंबर ऐसे गिरते रहेगा, और ये इंक्रीज बता रहा है हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन में, और डिक्रीज हो रहा है तुम्हारा वैल्यू 7 से 0 तक, ठीक है। 0 पे हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर होगा, 14 पे हाइड्रोनियम आयन सबसे कम है, और पीएच वो जो क्या कहते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे ज़्यादा है। तो एसिडिक कैरेक्टर ऐसे इंक्रीज होगा, यहाँ से 7 से नीचे जाओगे तो 7 से ऊपर हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होगा। अब पीएच की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, जहाँ से 3 मार्कर को क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये आएगा क्वेश्चन। पीएच का इंपॉर्टेंस में तुम ये मत लिख देना कि ये 3 मार्कर का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएच के बारे में पढ़ना। वेरी नाइस जोक। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। इसके बाद तुम इसे थोड़ा सा डिफाइन कर रहे होगे। इसमें मैंने 3-4 पॉइंट इसलिए लिखे होंगे क्योंकि 3 मार्कर का है तो 4 पॉइंट याद करके जाना। पता चला तुम 3 याद करके गए और 2 ही याद है वहाँ जाके, तो सेफ साइड में रहेंगे, 4 याद करके जाएंगे, 1 भूल भी गए तो 3 लिख के आएंगे। तो प्लांट और एनिमल क्या होता है, पीएच सेंसिटिव होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। ये मान लो एक पर्टिकुलर पीएच रेंज है, इसी में हम सर्वाइव कर सकते हैं। अवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। व्हेन द पीएच ऑफ रेन गोज बिलो 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन दिस रेन ऑफ वाटर फ्लोज टू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर एंड मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल डिफिकल्ट। ये इंपॉर्टेंट है 7 to 7.8 वाला, क्योंकि 1 मार्कर में आ सकता है। उसके बाद एसिड रेन किस पीएच वैल्यू से नीचे जाएगा तो एसिड रेन कहलाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम लिख सकते हो एसिड रेन का वाटर जब रिवर में जाएगा तो एक्वाटिक एनिमल्स की जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब HCl जो प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में वो डाइजेस्ट करता है भाई फूड, ये हमने बायो में भी पढ़ा था। एज ड्यूरिंग द इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड दैट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। HCl काम क्या करता है फूड डाइजेस्ट करने में। अब जब एसिडिटी हो जाती है डैट मीन्स कि एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो पेन और इरिटेशन होती है। इस वजह से एंटासिड यूज़ किए जाते हैं। एंटासिड्स मतलब क्या होते हैं कि जो एसिड के विरुद्ध काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंटासिड यूज़ किए जाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक माइल्ड बेस है। एसिड के विरुद्ध में कौन काम करेगा, एसिड थोड़ी करेगा, बेस ही करेगा। वेरी नाइस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है एज एन एंटासिड जब भी एसिडिटी हो जाती है। वेरी नाइस। आगे मूव करते हैं, पीएच इन माउथ। टूथ डीके कब होता है, जब माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चल जाता है। टूथ इनेमल जो होता है ना, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, और वो कोरोड होने लग जाता है जब पीएच वैल्यू हमारी 5.5 से नीचे जाती है। जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है माउथ में वो एसिड प्रोड्यूस करता है शुगर को डिग्रेड करके, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा वो चीनी नहीं खानी चाहिए। एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन माउथ आफ्टर ईटिंग, किस किस को डिकम्पोज करके डिग्रेड करके वो एसिड बनाता है जो भी बैक्टीरिया होता है। एक तो शुगर को डिग्रेड करता है और दूसरा फूड पार्टिकल जो हमारे मुंह में बच जाते हैं खाने के बाद, ठीक है। इसलिए खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं, मतलब ऐसे कोई रीज़न तो होता ही होगा ना उसके पीछे। पीएच इन प्लांट, टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड। हाँ, ये बिच्छू घास कहते हैं इसे, और मेथेनोइक एसिड ये रिलीज़ कर रहा होता है इन द स्किन विच कॉजेज बर्निंग पेन। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ डिफेंस कर रहे होते हैं एनिमल प्लांट थ्रू केमिकल वार वेलफेयर। व्हेन इंसेक्ट लाइक हनी बी आंट एक्सेट्रा बाइट, जब ये लोग काट रहे होते हैं हमें
तो एक एसिड रिलीज़ करते हैं हमारी स्किन में, जिससे पेन होता है, इरिटेशन होती है, और रिलीफ के लिए हम एक माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, अफेक्टेड एरिया में लगा रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें कोई काटता है, सोल्यूशन यही है कि बेकिंग सोडा को मल लेना अफेक्टेड एरिया में, सही हो जाओगे। आगे मूव करते हैं। एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया, उसका रिएक्शन देख लिए थे काफ़ी सारे कंपाउंड के साथ। फिर हमने बेस पढ़ा, बेसिस का रिएक्शन देखा, एसिड और बेसिस का भी रिएक्शन देखा। फिर पीएच के बारे में हमने जाना, एसिड सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है, बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है, ये सब हमने पता किया। अब बात करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स कब फॉर्म होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द्वारा फॉर्म होते हैं। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट फॉर्म हो रहा होता है प्लस वाटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट क्यों? क्योंकि सबके पास यही होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये सॉल्ट होता है जो नॉर्मली हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन इट एंड सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। दिस सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटीरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। और इन सब का प्रिपरेशन हम अभी नीचे देख रहे होंगे, तो देख ही लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड इज NaCl, जिसको हम सॉल्यूशन को ब्राइन भी कहते हैं। और उससे क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है और उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्म करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं इसे? बिकॉज प्रोडक्ट फॉर्म, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, बिकॉज प्रोडक्ट फॉर्म आर क्लोरीन एंड एल्कली। एक बेस फॉर्म होता है NaOH और क्लोरीन फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रिसिटी इसमें डाली जाती है, इसके सॉल्यूशन में, NaCl के सॉल्यूशन में, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसके बाद ये सब फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो NaCl का सॉल्यूशन वाटर के साथ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उसके बाद NaOH जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो रहा होगा, क्लोरीन फॉर्म हो रहा होगा और हाइड्रोजन गैस। अब इस सब के यूजेस भी हम देख रहे होंगे नीचे पे, जिसके वन मार्कर क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो NaCl से क्या क्या बना, पहले हम H2 का यूज़ देख लेते हैं। कैथोड पे आएगा H2। इसके यूजेस क्या होते हैं? हाइड्रोजन के फ्यूल बनते हैं, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। क्लोरीन का क्या यूज़ होता है? वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ होता है और पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ होता है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन से हमें मिलता है HCl। HCl के अपने अलग यूजेज हैं, स्टील को क्लीन करता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, मेडिसिन और कॉस्मेटिक में यूज़ होते हैं, ठीक है। और कैथोड के पास में NaOH भी जमा होगा, क्लोरीन एनोड पे था, ठीक है, और ये दोनों कैथोड पे हैं। तो NaOH कैथोड के पास में जमा हुआ है, उसके अपने यूजेज हैं। NaOH सोप में यूज़ होता है, डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग और डीग्रीजिंग मेटल के रूप में यूज़ होता है। और NaOH और Cl2 को अगर हम मिला देंगे तो NaOCl बनेगा, जो काम आता है हाउस होल्ड ब्लीचेज में और फैब्रिक्स को ब्लीच करने में, ठीक है। तो इस एक कंपाउंड से इतने सारी चीज़ें बन गई जिनके अपने अपने यूज़ थे और वो वन मार्कर क्वेश्चन में आते हैं, तो इन्हें याद कर लेना, ठीक है। ये ही अपने में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ये अगर तुम्हारा मान लो सारे क्वेश्चन यहाँ से आ गए तो 5 मार्क्स तुम्हारे यहीं से बन जाएंगे। तो हमने कॉमन सॉल्ट से ये सारी चीज़ें बन रही हैं, इसमें से हमारा ये पूरा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें बन रही थी। अब हम और चीज़ों को देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सबको देख लेते हैं, इनके प्रिपरेशन और यूजेस भी। तो ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाई पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लेक्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, क्लोरीन गैस इसमें पास करेंगे तो CaOCl2 हमारा बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर और वाटर भी निकलेगा। इसके यूजेस क्या होते हैं? ब्लीच करता है कॉटन टेक्सटाइल को, डिसइंफेक्टिंग वाटर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसे यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहते हैं। तो जब कोल्ड कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब ये फॉर्म होता है। तो NaCl, H2O, CO2, NH3, इस सब को कंबाइन कर देंगे तो कोल्ड कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड होता है हमारा NaCl। तो NaCl को हम रिएक्ट कराएंगे अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर तो रहेगा ही, तो NH4Cl बनेगा और NaHCO3 हमारा बन जाएगा। इसके यूजेस क्या क्या रहते हैं? बेकिंग सोडा से हमारा बेकिंग पाउडर बनेगा, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। ये भी अगर क्वेश्चन में आता है कि यार कैसे बनता है बेकिंग पाउडर, तो इसमें लिख देना मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड, ठीक है, सच एज टार्टरिक एसिड। और वेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर, बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है या फिर वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, तो क्या होता है? तो NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे, उसके बाद Na2CO3, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन रहा होता है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इसलिए लिखी है क्योंकि इसके बाद तुम्हें इस वाले में तीनों लिखनी होती है वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में, ठीक है। थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है। Na2CO3 तुम्हें कहाँ से मिला? ऊपर वाली इक्वेशन से। ये देखो Na2CO3 तुम्हें कहाँ से मिला? ये वाली इक्वेशन से।
और ये कहाँ से मिला, जब तुम्हारा ये फॉर्म हुआ था तो तुम्हें तीनों इक्वेशन लिखनी होगी, 1, 2 और 3, जो भी मैंने साइड में मार्क करी हुई है। अभी हम बेकिंग सोडा का यूज़ देख रहे थे ना, तो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड पहले हमने देख लिया था बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, दूसरा उसका यूज़ है इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एंटासिड के रूप में यूज़ होता है, और यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये सब तो तुम्हें याद रखने होंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, सोडियम कार्बोनेट 10H2O के बारे में अभी आगे बताएंगे क्या सीन है। तो Na2CO3 और 10H2O, इसमें तीनों इक्वेशन तुम लिख रहे होगे जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया, तो स्कूल वाले तीनों इक्वेशन लिखने को बोलते हैं एग्जाम में, ये है नहीं एग्जाम में है, ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, वरना मार्क्स काट देते हैं। तीनों इक्वेशन लिख लेना। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा क्या क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। ये दोनों तो याद ही रहते हैं, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर और वॉशिंग क्लोथ। वॉशिंग सोडा है तो कपड़े धोने के काम तो आएगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। अब आगे बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, और जिप्सम लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4.2H2O हीट करेंगे, CaSO4 ½H2O + 1 ½H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो इसे वाटर के साथ ऐड करेंगे तो एक हार्ड सॉलिड मास CaSO4.2H2O हमारा बन रहा होता है। इसके यूजेस क्या रहते हैं भाई, प्लास्टर का यूज क्या रहता है, फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए, टॉय बनाने के लिए, स्मूथ सरफेस बनाने के लिए, जो रूफ टॉप होती है उसे डेकोरेट करने के काम भी आता है। हाँ, तो मैंने बताया था तुम्हें 10H2O की हम बात कर रहे होंगे बाद में, इसे मिस मत करना। 10H2O इन वॉशिंग सोडा क्या डिनोट करता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो Na2CO3 वन फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा सॉल्ट का, इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं जिसे कि हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये है हमारा वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, यही है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डाइल्यूशन की बात करते हैं, एसिड और बेसिस को कैसे डाइल्यूट करते हैं, तो जब एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाया जाता है तो उसके कंसंट्रेशन ऑफ आयन, यानी कि आयन के कंसंट्रेशन में डिक्रीज आता है। तो डाइल्यूट कैसे करते हैं, जब एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो यार एसिड को धीरे धीरे वाटर में डाला जाता है कॉन्स्टेंट स्टीरिंग के साथ, मतलब डालते डालते तुम ऐसे हिला भी रहे होगे उसे, ठीक है, यहाँ से एसिड जा रहा होगा एक एक बूंद दो दो बूंद करके। और अगर इसका अपोजिट करते हो कि भाई यहाँ पे तुमने एसिड ले रखा है और उसके बाद तुम उसमें पानी डाल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और उससे सीरियस बर्न भी हो सकते हैं, तो ऐसा मत करना। हाँ, नेक्स्ट में मैंने लिखा है कि इसके बाद NCERT से एसिड बेसिस के सोर्सेज याद कर लेना, जैसे मेथनॉइक एसिड का सोर्स क्या होता है वगैरह वगैरह। और अगर किसी का सेट थोड़ा टफ आता है, सेट बोले तो अलग अलग सेट आते हैं ना बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन के, तो अगर किसी का टफ पेपर आता है तो उसमें वो भी आएगा कि कैबेज कैसा टर्न होता है, कैबेज जो है वो एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद कैसे चेंजेस दिखाता है, ये सब भी तुम याद कर लेना। ये NCERT में ज़्यादा नहीं है, कोई रिफ्रेशर से याद कर लेना, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।